हेलो दोस्तों, मैं डॉग नाइन ट्रांसपोर्ट से मुकेश कुमार गौतम। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं अपने सभी दोस्तों के लिए, जो मुझे काफ़ी कहते भी रहते हैं कि सर आप पेट ट्रैवलिंग कराते हैं, पेट ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा सा वीडियो बना के आप शेयर करें। तो मैं आज यही शेयर कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस को भी लेके। करीबन मैं 20 साल से इस ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा समझता भी हूँ और जानता भी हूँ, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लॉकडाउन के बाद काफ़ी समस्या हो गई पेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। काफ़ी चीज़ें महंगी भी हो गई है ज़रूरत से ज़्यादा। हालांकि पेट ही महंगा हो गया है तो ट्रांसपोर्ट ऑफिशियली अपने आप ही महंगा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा समस्या ये आई कि बाई एयर ने अपने जो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए हैं। पहले जो पपी 5 to 8,000 तक चला जाता था ऑल स्टेट में, अभी वो 15,000 में जा रहा है ऑल स्टेट में। दूसरा ये है कि काफ़ी लोग आजकल अपने पेट्स को कार से ट्रैवलिंग कराने लगे हैं। 3-3 दिन की जर्नी हो चाहे 1 डे की जर्नी हो, जो पेट के लिए काफ़ी हार्मफुल है जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग पपीज़ को अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जाता है जिसमें एडल्ट डॉग्स भी होते हैं। पपीज़ को क्या डिजीज़ आ रही है या दूसरे पपीज़ को क्या डिजीज़ दे सकता है, ये काफ़ी बड़ी समस्या है और ये काफ़ी लोगों ने फेस भी की है, पेट लवरों ने, जिसमें काफ़ी पपीज़ों को पार्गो समस्या फेस करनी पड़ी। काफ़ी एडल्ट डॉग्स को डिहाइड्रेशन हुई और हीट स्ट्रोक की समस्या हुई, काफ़ी डॉगों की डेथ भी हो गई है इस पेट ट्रांसपोर्टिंग कार के ज़रिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी पेट लवरों को कि अपने पेट को ठीक से ट्रांसपोर्ट कंपनी से ट्रांसपोर्ट कराएं, चाहे वो कोई भी हो, उस चीज़ को समझता हो, नॉलेज रखता हो। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेट को ट्रैवलिंग कराते भी हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो बाई एयर और बाई ट्रेन ही कराएं। अभी जैसे कि बाई ट्रेन काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई है, तो जो डॉग बॉक्स था वो अभी पूरा प्रॉपर जो है ओपन नहीं हुआ है, वो मार्च या फरवरी में ही स्टार्ट होगा, जो काफ़ी चीप प्राइस में था और रिजनेबल भी था काफ़ी पेट लवर के लिए या फिर ब्रीडर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए बोले, एक जगह से दूसरी जगह मूविंग कराने के लिए अच्छा ज़रिया था। अभी फ़िलहाल तो ये है कि फर्स्ट एसी में आप जर्नी करा सकते हैं अपने डॉग्स को अपने साथ में या किसी ट्रांसपोर्टर से थ्रू अपने पेट को अपने हाउस पे या अपने ट्रेनिंग सेंटर पे मंगवा सकते हैं। फर्स्ट एसी के जो चार्जेस हैं करीबन 2 डॉग्स के जो 30,000 to 35,000 का चार्जेस आता है ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अगर इसी में चार्जेस मान के चलिए कम हो जाते हैं, जब आप पेट ओनर अपने साथ अपने पेट को ट्रैवलिंग कराता है, तो उसका मिनिमम जो खर्चा आता है वो 20,000 के आसपास ही आता है। इसमें आप 2 ही डॉग अपने साथ कैरी कर सकते हैं, मतलब जितनी आपके पास सीटें अलॉट हैं उतने ही आप डॉग्स को लेके जा सकते हैं। मानिए जैसे 2 सीटिंग कैबिन आपने बुक किया है तो उसमें आप 2 डॉग लेके जा सकते हैं, 4 सीटिंग कैबिन में आपने बुक किया है तो आप 4 डॉग लेके जा सकते हैं, पर सीट पे पर डॉग अलॉटमेंट है। दूसरा ये है कि डॉग बॉक्स में काफ़ी समस्या, लोग कहते थे कि सर जी हमारे डॉग्स को लोग 4-4 करके लेके आ जाते हैं, 2-2 करके लेके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी 2 ही डॉग अलाउ हैं, चाहे वो आप एडल्ट ले जाएँ चाहे वो फिर पपी ले जाएँ, वो एक ही ब्रीड के होने चाहिए या फिर फ्रेंडली होने चाहिए अगर अदर ब्रीड है तो। दूसरा ये है कि अगर आप बाई एयर किसी पेट को मंगाते हैं तो 3 मंथ्स अलाउ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा 1 महीने के पपीज़ को हम 3 मंथ्स का पपी करके हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बाई एयर हो जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाई एयर भी अभी रिजनेबल ही एक तरीके से, अगर आप एक्सपेंसिव ब्रीड को लेते हैं तो उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता प्राइस को लेकर, लेकिन जो मिनिमम पपीज़ को परचेस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लवर्स भी हैं, तो बाकी वो सभी लवर हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कार से जर्नी कराना चाह रहे हैं अपने पेट को तो ना कराएं, ये काफ़ी रिस्की भी है और काफ़ी डेंजरस भी है। डेंजरस इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये एक इल्लीगल प्रोसेस है, आप पेट को कार से ट्रैवलिंग नहीं करा सकते, आपका पर्सनली पेट है तो आप अपनी कार से कहीं पर भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन एक डॉग से ज़्यादा डॉग्स हो या पपीज़ हो तो आप उसको नहीं लेके जा सकते, ये कानून के दायरे में नहीं है। कभी किसी ने फेस नहीं किया है ट्रांसपोर्टर ने,
कभी किसी को फेस ना करना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग कार से ट्रेवलिंग करा रहे हैं अपने पेट को, वो सोच समझ कर ही कराएं, क्योंकि ये एक इलीगल प्रोसेस तो ही, आपको RTO भी रोक सकता है, कोई NGO भी रोक सकता है, और इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है कि आप अपने पेट को कार से ट्रेवलिंग करा सकें। ट्रेन से जो आप ट्रेवलिंग कराते हैं वो बेसिकली अपने नाम के थ्रू या खुद ओनर बन के ही ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और बाई एयर का जो प्रोसेस है वो आप सबको मालूम ही है कि ID के प्रूफ के ज़रिए आप करा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता था दोस्तों के लिए, अपने सभी पेट लवर के लिए, के सोच समझ कर अपने पेट को ट्रैवलिंग कराएं, ट्रांसपोर्ट कराएं, परचेज़ करें सही ढंग से और सोच समझ करके, ताकि फ्रॉडिंग ना हो आपके साथ। काफ़ी फ्रॉडिंग की समस्या मैं देखता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी, तो ऐसा ना होने दें अपने साथ, इससे बचें। और यही कहना चाहता था मैं, मेरे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को लाइक और शेयर करें। मैं डॉग9 ट्रांसपोर्ट मुकेश कुमार गौतम, थैंक यू।